हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम फ्यूचर पॉइंट डेली करंट अफेयर्स बाय शुभम सर। ठीक है फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पर हुई है। तो विश्व बैंक में फ्रेंड्स विकास समिति की 108वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स, तो मोरक्को में। कहाँ पर फ्रेंड्स? मोरक्को में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को फ्रेंड्स 111वां स्थान मिला है। क्या फ्रेंड्स? 111वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई है। तो ये बैठी चौथक बैठी कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स? मराकेश में। कहाँ फ्रेंड्स? मराकेश में चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर कितनी प्रतिशत हुई है। तो वह महिला बाल भागीदारी दर कितनी प्रतिशत है फ्रेंड्स? ये हमारा आंसर हो जाएगा 37% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है। तो एकमात्र भारतीय PSU कौन है फ्रेंड्स? NTPC। कौन है फ्रेंड्स? NTPC एकमात्र ऐसा है जो नियोक्ता सूची में शामिल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया फ्रेंड्स? AA भारत। किसे फ्रेंड्स? AA भारत कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फ्रेंड्स? ये हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा शिवशंकरी को। किसे फ्रेंड्स? शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IOC 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी। IOC 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। किसे फ्रेंड? क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड्स, तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।